बांग्लादेश में शेख हसीना के जाने के बाद मोहम्मद यूनुस ने अंतरिम सरकार की कमान संभाली और ऐसा लग रहा है कि देश मालामाल होने लगा है। बताया जा रहा है कि बांग्लादेश में पिछले 28 दिनों में $2 बिलियन विदेशों से आया है। बांग्लादेश में ताजा सियासी हालात के बाद से किसी जख्म पर मरहम लगाने जैसा है, लेकिन इन सब के बीच बांग्लादेश में निवेश करने वाली भारतीय कंपनियों को एक बड़ा झटका लगा है। बांग्लादेश में हुए तख्तापलट से भारत की बिजली कंपनियों को तगड़ा झटका लग सकता है। इंडस्ट्री के सूत्रों का कहना है कि बांग्लादेश को बिजली आपूर्ति करने वाली भारत की 5 बिजली कंपनियों का इस पड़ोसी देश पर $1 अरब से अधिक का बकाया है। इसमें $800 बिलियन सिर्फ अडानी ग्रुप का फंसा हुआ है। एशिया के दूसरे सबसे बड़े रईस गौतम अडानी की ये कंपनी झारखंड के गोंडा में अपने 1.6 गीगावाट के कोल बेस्ड प्लांट से एक डेडिकेटेड ट्रांसमिशन कॉरिडोर के जरिए बांग्लादेश को बिजली देती है। इसी तरह SEIL एनर्जी इंडिया को बांग्लादेश पर 30 जून 2024 तक लगभग $150 मिलियन बकाया था। कंपनी ने बांग्लादेश के साथ 250 मेगावाट के लिए बिजली खरीद समझौता किया था। सरकारी बिजली NTPC अपने 3 संयंत्रों से बांग्लादेश को लगभग 740 मेगावाट बिजली की आपूर्ति करती है। उसका इस पड़ोसी देश पर लगभग $80 मिलियन बकाया है। भारत की ऐसी कई बिजली कंपनियां हैं जिसका बकाया बांग्लादेश पर है। एक रिपोर्ट के मुताबिक बांग्लादेश को बिजली सप्लाई करने वाली भारतीय कंपनियों को अब दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। भारत की 5 बिजली कंपनियों का बांग्लादेश पर $1 बिलियन का बकाया है। भारतीय करेंसी में ये रकम लगभग 8,400 करोड़ रुपए बैठती है। मीडिया रिपोर्ट में पावर कंपनियों में एक अधिकारी ने कहा कि बांग्लादेश से पेमेंट का इशू जल्द ही रिजॉल्व करना पड़ेगा, वरना कंपनियों के लिए सप्लाई करना काफी मुश्किल हो जाएगा। कंपनियों को लेंडर्स और सप्लायर्स को एडवांस पेमेंट करनी होती है, जिसके लिए कैपिटल की जरूरत होती है। गोंडा प्लांट को जुलाई 2023 में फुल कैपेसिटी के साथ शुरू कर दिया गया था। इस प्लांट के लिए कोयले को इम्पोर्ट किया जाता था, जिसमें अब दिक्कत आ रही है। भारत हमेशा से ही बांग्लादेश की हर मुश्किल में मदद करता रहा है। बांग्लादेश में निवेश भारत की कंपनियों के लिए सुरक्षित माना जाता था, लेकिन अब वहां के हालात बदलने के बाद इन कंपनियों को खासा नुकसान होता दिख रहा है। बहरहाल, इस खबर पर आपका क्या कुछ कहना है हमें कॉमेंट करके जरूर बताएं। बाकी देश विदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहें TV9 Digital।